राजभवन लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय प्रादेशिक फल और शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 लगाई गई है। उसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं। और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही औद्यानिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल GDP है उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी यह दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें एक परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।